ताइवान में आए बड़े भूकंप ने जहां देश में बड़ी तबाही मचाई, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ताइवान में भयंकर भूकंप की वजह से भारत सहित दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपके गैजेट्स अब महंगे होने वाले हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि बुधवार की सुबह ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। ये 25 साल में वहां आया सबसे बड़ा भूकंप था, जिसके कारण 9 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की वजह से वहां बिजली सप्लाई बाधित हो गई तो ट्रेन सेवाएं और कंपनियों में कारोबार ठप हो गया। हालत ऐसी हो गई कि पूछिए मत, सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को अपनी यूनिट्स दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की कीमतें बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में ये आ रहा होगा कि भूकंप से चिप की समस्या कैसे उत्पन्न हो गई। असल में ताइवान सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप उत्पादक देश है। ऐसे में काम बंद होने से दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ेगा। एप्पल और एनवीडिया के लिए चिप्स की आपूर्ति करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी यही है। इसके अलावा स्मार्टफोन और एआई रनिंग सुपर कंप्यूटर के लिए लगभग 80-90% सेमीकंडक्टर चिप ताइवान में ही मैन्युफैक्चर होती है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग बंद होने से दुनिया भर में इसका खासा असर पड़ने वाला है। अब आपके काम की खबर, यानी इससे आप पर क्या असर होगा, तो बता दें चिप बनाने का काम अगर जल्द ही नहीं शुरू हुआ तो इसका असर दुनिया के टेक कंपनियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में कार या टेक कंपनियों को अपनी स्टॉक से ही काम चलाना पड़ सकता है। फिलहाल कुछ दिनों तक तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये उत्पादन यानी प्रोडक्शन का असर अधिक दिनों तक रहता है तो मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी अन्य गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक की सामानों पर असर पड़ना लाजमी है। इनके दाम आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बता दें कोविड-19 महामारी ने सेमीकंडक्टर्स की वैश्विक कमी को बढ़ा दिया था और तब सिलिकॉन चिप्स की बात आती है तो वैश्विक सप्लाई चेन में मौजूद दोषों को उजागर किया जाता है। न केवल दुनिया भर के उद्योगों को चिप की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा था, बल्कि जो चिप्स उपलब्ध थे उन्हें आधिकारिक कीमत से 3-4 गुना पर अधिक दाम पर बेचा जा रहा था। हाल ही में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई में सुधार आया था, लेकिन उस समय गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी, क्रिप्टो माइनिंग और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन में उपयोग किए जाने वाले एनवीडिया के चिप्स को जल्दी पैसा कमाने की चाहत रखने वाले बिचौलियों द्वारा खरीदा जा रहा था और बेचा जा रहा था। बेचने की कीमत अगर आपको हम बताएं तो 50% से लेकर 250% प्रीमियम पर बेचा जा रहा था। अब आपकी जानकारी के लिए एक और आंकड़ा आपके सामने पेश करते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत 2026 तक सेमीकंडक्टर मार्केट हब बनने की राह पर है। इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भारत भारी भरकम निवेश कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयां यानी यूनिट्स लगाने को मंजूरी दी थी। ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ साझेदारी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक सेमीकंडक्टर फैब बना रहा है। वहीं टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी TSAT असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई बना रहा है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।